अपहरण की बात किया हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन, कराए मुस्लिम लड़के से जबरन शादी। पाकिस्तान में नहीं थम रहे हिंदुओं पर जुल्म, 15 दिनों के भीतर चौथी लड़की का हुआ अपहरण। पाकिस्तान नहीं आ रहा अपनी हरकतों से बाज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रहा अत्याचार। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर के फतेह चौक का मामला सामने आया है। घर वालों का आरोप है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पाकिस्तान में इस तरह की 15 दिनों के अंदर ये चौथी घटना है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस लड़की का अपहरण तब हुआ जब वो घर लौट रही थी। पाकिस्तान में इससे पहले हिंदू धर्म की 3 लड़कियों का अपहरण करने और जबरन इस्लाम कबूल करने का मामला सामने आया था। अपहरित लड़की का नाम चंद्र महराज है। उसके माता पिता के अनुसार चंद्र महराज का अपहरण हैदराबाद के फतेह चौक इलाके से उस समय किया गया जब वो घर लौट रही थी। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन चंद्र महराज का पता अभी तक नहीं चल पाया है। बताते चलें कि ये मामला अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की 3 महिलाओं के अपहरण करने और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तन करने के कुछ दिनों बाद आया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार सामने आ रहे अत्याचार के बीच वहां रह रहे हिंदुओं में आक्रोश और डर बना हुआ है। बता दें कि इससे पहले 24 सितंबर को नसरपुर इलाके से 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया गया था, जबकि मीरपुर खास कस्बे से घर लौटते समय एक अन्य हिंदू लड़की भी किडनैप हो चुकी है। साथ ही इससे पहले पाकिस्तान के मीरपुर खास कस्बे में ही एक हिंदू शख्स ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का अपहरण किया गया। कुछ समय बाद उसे पता लगा कि उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है और एक मुस्लिम युवक से उसकी शादी कर दी गई है। पुलिस पर भी इस मामले में भेदभाव करने के संगीन आरोप लग चुके हैं। हिंदू शादीशुदा महिला की मुस्लिम युवक से शादी के प्रकरण पर पुलिस अधिकारियों ने बयान दिया। राखी ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया और अहमद चांडियो नाम के शख्स से उसने शादी की थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की लगातार घटनाएं देखी जा रही हैं। इस साल जून में एक नाबालिग हिंदू लड़की ने अदालत के सामने गवाही दी है कि उसे जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करवा दी गई। इस घटना के सिर्फ 3 महीने के बाद फिर से 3 हिंदू लड़कियों के साथ यही हश्र हुआ। पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान में एक संसदीय समिति ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक को खारिज कर दिया था। मामले के मंत्री नरुल हक कादरी ने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने के माहौल अनुकूल नहीं है। मंत्री ने यहां तक दावा किया था कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून देश में शांति भंग कर सकता है और अल्पसंख्यकों को और अधिक कमजोर बना सकता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार 2020 के आंकड़े बताते हैं कि हिंदू, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक पाकिस्तान में आबादी का सिर्फ 3.5% है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे इस तरह से जुल्म पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।